हेलो क्लास सेकंड, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकंड में हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत पाठ 3 शब्द विचार बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को शब्द विचार पढ़ाया था, आज मैं फिर से आपको शब्द की परिभाषा बताती हूँ। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ऐसे वर्णों का मेल जिनका अर्थ प्रकट होता है उन्हें शब्द कहते हैं। तो इस तरह बच्चों शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो आइए देखते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्णों का मेल जिनका अर्थ प्रकट होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, खाना, रोटी, कपड़ा, बोरी आदि। इन सारे शब्दों का एक अर्थ होता है ना, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। फिर देखिए निरर्थक शब्द, ऐसे शब्दों का, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ही नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग अधिकतर सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे खाना, वाना, पानी, वानी, रोटी, बोटी, कपड़ा, कपड़ा ना। तो आप लोग कहते हैं ना, मम्मी खाना वाना लाओ, खाना का अर्थ है लेकिन वाना का अर्थ ही नहीं। पानी वानी दो, पानी का अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह वानी निरर्थक शब्द है और पानी, पानी सार्थक शब्द है और वानी निरर्थक शब्द है। खाना सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक शब्द है। कपड़ा सार्थक शब्द है और कपड़ा निरर्थक शब्द है। तो यह है सार्थक और निरर्थक शब्द। आइए देखते हैं क्लास वर्क में आज मैं आप लोगों को रचनात्मक कार्य करवाऊंगी। प्रश्न है, चित्रों को देखकर शब्द बनाओ। अब देखिए किस चीज का चित्र है, कलश का ना। आप लोगों ने कलश देखा होगा, बहुत से लोगों के पूजा पाठ आदि होता है तो उसमें कलश रखा जाता है। जो नवरात्र का त्योहार पर्व आता है उसमें भी कलश रखा जाता है ना, और बहुत अधिकतर उम्मीद कर भी सारे बच्चों ने देखा होगा ना। तो किस चीज का चित्र है, कलश का। ये बरगद का है ना, बरगद का विशाल वृक्ष है। और क्या है, मछली है ना, मछली है। और ये कमल है। तो इन सब चित्रों को देखकर आपको एक एक वर्ण लिखकर फिर वर्णों को मिलाकर शब्द लिखना है। तो आइए देखिए, कलश है, का, ला और बड़ा शा। तो का, ला और बड़ा शा मिलकर क्या बन गया, कलश ना, कलश बन गया ना। ये वर्ण मैंने मिला दिया तो कलश शब्द बन गया ना। तो चित्र को देखकर ही तो आपको शब्द बनाना है। फिर देखिए, बा, रा, गा, दा, क्या बन गया, कौन सा शब्द बरगद बन गया ना। जो चित्र बना है वही शब्द बना है ना। यहाँ लिखेंगे बरगद, तो शब्द बन गया आपका। फिर देखिए तीसरा चित्र क्या है, अरे ये तो मछली है ना, तो लिखेंगे मछली, मछली लिख देंगे। जो चित्र है वही नाम लिखना है बच्चों, मछली। फिर है कमल, का, मा, ला, कमल, यहाँ लिख देंगे कमल। समझ में आया बच्चों? तो चित्र देखकर आपको नाम लिखना था जो कि कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आप लोग ये चित्र जो है कॉपी में बनाएंगे और इसी तरह जैसे मैंने जैसे इसी तरह आप लोग क्लास वर्क की कॉपी में पिक्चर भी बनाएंगे और उसे कलर भी करेंगे और इस तरह वर्णों को अलग अलग करके फिर उसे मिलाकर शब्द बनाएंगे। समझ में आए, आपका क्लास वर्क तीन क्लास वर्क करेंगे बच्चों। आए बच्चों आपका गृह कार्य देखते क्या है, गृह कार्य आपका नीचे सार्थक तथा निरर्थक शब्द मिलाकर लिखे गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखो। देखिए दाल, वाल, दाल सार्थक है, वाल निरर्थक। रोटी, ओटी, रोटी सार्थक, ओटी निरर्थक। पानी, वानी, पानी सार्थक, वानी निरर्थक। गाना, वाना,
गाना सार्थक माना निरर्थक कपड़ा 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 सार्थक अपड़ा निरर्थक बोरी ओरी ओरी सार्थक ओरी निरर्थक। तो इस तरह सार्थक शब्द दाल रोटी पानी गाना कपड़ा बोरी ये सब जो है सार्थक शब्द है। आप लोग सार्थक में लिखिएगा दाल रोटी पानी गाना कपड़ा बोरी ये आपके सार्थक शब्द है। सार्थक में लिखिएगा वाल ओटी वानी वाना कपड़ा ओरी ये निरर्थक शब्द है इसे निरर्थक में लिखिएगा। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग खूब मन लगाकर क्लास वर्क और होमवर्क करेंगे। थैंक यू।